आतंकी तौहीद अहमद शाह NIA की रिमांड पर है। आज से 5 दिन के लिए NIA की रिमांड पर रहेगा तौहीद। लखनऊ की NIA स्पेशल कोर्ट ने दिया है आदेश, आज से 5 दिन के लिए NIA के रिमांड पर रहेगा तौहीद। लखनऊ की NIA स्पेशल कोर्ट ने दिया है आदेश, फरवरी 2022 में बड़गाम कश्मीर से अरेस्ट हुआ था तौहीद। 2022 बड़गाम से अरेस्ट हुआ था तौहीद, यूपी में सीरियल ब्लास्ट की साजिश रचने का आरोप। तौहीद के मोबाइल से मिले हैं डेटा पर होगी पूछताछ, मोबाइल से मिले हुए डाटा पर पूछताछ होगी। लखनऊ से गिरफ्तार मिनहाज मसलुद्दीन से जुड़ा था तौहीद। मिनहाज और मसलुद्दीन के घर से मिले थे विस्फोटक, तौहीद के मोबाइल से मिले डाटा पर होगी पूछताछ। अलकायदा आतंकी तौहीद अहमद शाह NIA आज से 5 दिन के लिए NIA के रिमांड पर रहेगा तौहीद। लखनऊ से गिरफ्तार मिनहाज मसलुद्दीन से जुड़ा था तौहीद। इस खबर पर अधिक अपडेट के लिए हमारे संवाददाता मोहम्मद सफी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। क्या कुछ अधिक अपडेट है सफी? बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि अलकायदा आतंकी तौहीद को NIA की रिमांड पर भेज दिया गया है और आज से 5 दिन की NIA रिमांड पर जो तौहीद है वो रहेगा। और बात करें हम NIA की, तो लखनऊ की स्पेशल सेल ने जो NIA को गिरफ्तार किया था और 2022 में इसकी गिरफ्तारी हुई थी और जिस तरीके से लगातार घटनाएं सामने आ रही थी उसके बाद जो बड़गाम कश्मीर से किया गया था और यूपी के सीरियल प्लान की अगर बात करें हम तो उसका कहीं ना कहीं प्लान बनाते नजर आ रहे थे जिसके बाद NIA द्वारा गिरफ्तार किया गया था। फिलहाल NIA को 5 दिन की जो रिमांड दे दी गई है, अब उसके बाद पूछताछ में और भी खुलासे हो सकते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं ये बड़े गिरोह में शामिल होने की आशंका जताई जा रही थी। जी क्या लग रहा है इसमें कौन कौन से गिरोह शामिल हो सकते हैं? जिस तरीके से NIA को रिमांड मिली है कहीं ना कहीं बड़े नाम सामने आ सकते हैं और जिस तरीके से मामला सामने आया था कई ब्लास्ट के सामने आए थे और उसके बाद जो ब्लास्टिंग करने के लोगों ने फ्रांक बनाई थी दो लोग उसमें पहले ही गिरफ्तार किए जा चुके थे, फिर उसके बाद तौहीद की गिरफ्तारी हुई थी। फिलहाल अब इसके NIA के 5 दिन की रिमांड दे दी गई है। अब रिमांड के बाद जब पूछताछ में क्लियर हो पाएगा किस तरीके से कौन से नाम सामने आ रहे हैं। मोहम्मद शफी आपका बहुत बहुत शुक्रिया अधिक अपडेट देने के लिए। तो मिनहाज और मसलुद्दीन के घर से मिले थे विस्फोटक, लखनऊ से खबर है जहां पर अलकायदा आतंकी तौहीद अहमद शाह NIA की रिमांड पर है। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक।